दिल्ली के पार्क इन दिनों निगम चुनाव का अखाड़ा बने हुए हैं। सुबह की पहली किरण से पहले चुनाव के प्रत्याशी पार्कों में अपना चुनावी एजेंडा लेकर पहुंच जाते हैं। जी हां, सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह सुबह योगा के साथ अपने चुनाव प्रचार के लिए उनके इलाकों के भीड़ भाड़ वाले पार्कों में पहुँच जाते हैं। खास तौर पर वीकेंड वाले दिन पार्कों की रौनक देखते ही बनती है। चुनाव चल रहे हैं, ये लोग हर किसी के घर जा नहीं सकते। योगा में खूब, यानी कि पार्क में खूब लोग होते हैं, क्राउड होता है, अच्छा क्राउड होता है, तो ये सोचते हैं यहीं पे सब कुछ सबसे मिल लिया जाए, अपनी बात कह दी जाए। हम लोग भी इसीलिए सुनते हैं इनकी बात। पार्कों में अपना प्रचार करने आए उम्मीदवारों का कहना है कि पार्क में सुबह सुबह लोगों की भारी संख्या एक जगह पर मिल जाती है, इसीलिए प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए मुख्य प्रायोरिटी पार्कों में लोगों के बीच देना समझ रहे हैं। सैर करने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, माताएं भी आती हैं, सबसे मुलाकात हो जाती है, सबसे बातचीत हो जाती है। सुबह 5:30 बजे उठने के बाद सीधा पार्कों में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, फिर उसके बाद हमारी पदयात्राएं होती हैं एरिया में। हमारी वैसे तो मॉर्निंग वॉक और जो हम रनिंग पर्सनल करते थे वो छुट्टी हुई है, तो इसी बहाने जो लोगों से मिलते भी हैं उसमें भी मॉर्निंग वॉक हो जाती है और लोगों से मिलना और परिचय और बात और संवाद भी हो जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का कहना है कि लिस्ट आने में देरी के चलते उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला। इसके साथ पार्टी ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिसके कारण पार्क ही एक ऐसा माध्यम बना है जहां लोगों के बीच जाकर अपना परिचय और एक दूसरे के साथ सीधा संवाद बनाने का अच्छा जरिया बन रहा है। न्यूज डेस्क, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।